साथ चार फीमेल्स हैं, एक दो तीन और चार, छोटी मोटी पतली बारीक जो भी होता है सब कुछ तेरे पास है, लेकिन तू फिर भी चुप नहीं करता यार, क्यों यार? इसको समझ ही नहीं आती, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तुम बीच में, इसने जरूर बोला, फिर वो ये बोलता रहेगा इसके सामने, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही करता है। मेरे पास क्यों खड़े हुए हो? इधर क्या है, इधर क्या है बताओ जरा, इधर मेरे पास क्यों इकट्ठे हुए हो? मेरे पास इस टाइम भला क्या है? मेरे पास ये है रोटियां, मैं इनको रोटियां जो है ना छोटी छोटी करके डाल रहा हूँ, इनको रोटियां होती हैं बहुत ज्यादा पसंद, तो अभी मैं इनको डाल रहा हूँ, ये देखें जरा क्या करते हैं। बाके आई है बाके, अभी इतनी सी रोटी बकाया पड़ी हुई है इनके लिए, क्योंकि ये कब से खा रहे हैं, इनको भी डाली हैं रोटियां, और अभी ये थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई है आगे, मैंने एक रोटी पूरी डाली है कबूतरों को, अपने पिजन्स को, तो यार ये पसीना देख रहे हैं कैसे निकल रहा है, बड़ी ज्यादा गर्मी है। अभी वो मैं दरवाजा खोल नहीं रहा क्योंकि वहां पे ऊपर ना दो दफा शिकारी है, और ये स्टिक मैंने अपने पास रखी हुई है ताकि जैसे ही वो आए तो हम उसको भगा दें फिर से। वो कबूतर काफी देर से इनको देख रहा है कि यार मैं शायद नीचे चला ही जाऊं, नीचे चला जाऊं, नीचे जाके खा लूं, लेकिन उसको डर लग रहा है क्योंकि वो नीचे है तो उसने पकड़े ही जाना है, फिर मैं उसके पर काट दूंगा। लेकिन अभी मैं इनको डाल लूं ये वाली डाइट, इनकी थोड़ी सी और डाल दूंगा यार, क्योंकि ये काफ़ी देर से ना इंतज़ार कर रहे थे, एक हफ्ते के बाद इनको ये वाली डाइट मिलनी होती है, तो इनको ज़रा पेट भर के खाने देते हैं, थोड़ी सी और डाल देंगे। अभी नीचे और बन रही हैं रोटियां इनके लिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये नीचे कितने लगी थी, खैर अभी उसकी वो देखें, उसका पेट खा खा के माशाल्लाह बड़ा बड़ा हुआ है इसका। अभी मुर्गा यार कम खाता है, क्योंकि जब इसके साथ मुर्गियाँ होती हैं ना, फिर ये आवाज़ें दे दे कि मुर्गी को कहता है कि भाई आके आप खा लो मेरी हैर है, ये बड़ा बड़ा बनता है ना, तो ये अभी बेचारा भूख है। अभी मैं मुर्गियों को कहता हूँ बंद या खुले ही रहने देता हूँ, जितनी उसने खानी है वो तो उसी ने खानी है ना, जो उसके नसीब का वो ही खाएगा। आजा खा लें, ये देखें इसके काम चेक करें, आजा खा लें खा लें खा लें। यार अभी मैं ज़रा इनको ये डाइट शाइट दे लूँ, फिर आपसे मैं इंशाल्लाह बातें करता हूँ, मैंने कुछ बातें कर दी हैं आपसे, फिर इंशाल्लाह बातें करते हैं हम। यार इन्होंने तो डाइट अपनी खा ली है, अभी हम खोलते हैं अपने फ्लफी गैंग को, अभी इनको ज़रा बंद करना है, इनको ज़रा बहकावे में ला के अंदर करते हैं। जी आपकी वो सारी डाइट अंदर चली गई है, चलो भाई आपकी डाइट अंदर है, इधर आओ, ऐसे नहीं जाएंगे ये, इनके लिए स्टिक का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया होगा, ये देखें अभी ज़रा मैं स्टिक के साथ इनको अंदर करूँगा ना, फिर ही अंदर जाएंगे आराम से, वो देखें कैसे जा रहे हैं, लेकिन ये स्टिक तो ये है। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अभी हम इनको बंद करेंगे और अपने फ्लफी गैंग को खोलेंगे, मिस्टर एंड मिसेस फ्लफी, और साथ उनका एक अदद चल, आ जा यार तू, तेरा क्या नाम रखेंगे हम, तू भी फ्लफी गैंग में शामिल है, आ जा आ जाओ आ जाओ इधर आओ, आपको डाइट दूँ बड़ी अच्छी सी डाइट, ये बड़ा कम खाते हैं वो वाली डाइट ना, क्योंकि इनको मैं वो नहीं देता ज्यादा, आज इनको ये डाइट देंगे इंशाल्लाह। इधर आओ भाई आके अपनी डाइट नबेड़ो जरा, अभी मैं इनको भी डाइट डालूं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। यार इस अल्लाह की बंदी को ना सुकून नहीं है, चल जा अंदर जा, बाहर क्यों आ जाती है बार बार तू, अंदर चलो, ये उधर से ना ऊपर आ जाती है यहाँ पे जंप करके, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, नहीं जा रही नहीं जा रही भाई नहीं जा रही भाई, चलो अंदर चली गई है, इधर आओ यार आप लोगों को डाइट दूं। वो उधर खड़ा हुआ है बदतमीज आदमी इसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन ये भी बंद है ना, इसकी बचत हो गई है। अरे तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, हैं जिंदगी नहीं प्यारी है, अभी तेरे साथ मैंने दो तीन फीमेल लेके आनी है, तुझे अपनी जिंदगी नहीं प्यारी, तेरी अभी शादी करवानी है अच्छी सी बच्चियों के साथ, तू देख तू मतलब अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहा है, तू फाइट करने चला जाता उसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी अपनी डाइट शीट खा ली है, अभी इनको करते हैं बंद, हो ये स्टिक पकड़ लें, ये फिर जो है ना ऊपर आने की नाकाम कोशिश कर रही है, पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा, ये ब्लैकी ब्लैकी ने यार देसी को ना ऐसे डराया हुआ है पता नहीं क्यों,
ब्लैकी से देसी मुर्गी डाल रही है। अभी इनको कर देते हैं उस साइड पे बंद, और वो देखो कहाँ पे जा रहे हैं यार। ये बड़ा ना तंग करने लग गए हैं। चलो अपने घर चलो भाई, जल्दी से जल्दी 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 अपने घर चलो यार। ये बड़ा तंग करने लग गए हैं, ये दो मुर्गी हैं ना, ये बड़ा तंग करते हैं यार। एक मुर्गी के साथ ना बड़ा शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं। ये देखें जरा अभी जो है ना, फिर मुर्गी को तंग आ गए हैं। मैं बड़ा तंग आ गया। और मुझे आपको एक चीज दिखाऊंगी, देखें शिकारी, इसने भी बड़ा ही तंग किया हुआ। वो देखें अब इधर से इनके घर नीचे चली जाएगी और इधर से ये आती रहेगी इधर आने के लिए। खैर अभी तो मैंने डराया उसे, भाग जाएगी, लेकिन अभी इसने फिर आना है। इसने आगे तंग करना है, ये बार बार आएगी चिंकी मिंकी को पकड़ने देखने उनसे जो है ना, समझेगी कि ये बस ऊपर है ना, तो मैं इनको पकड़ के तो अपना पेट भर लूँ बस। बस हर बंदा अपना पेट भरने की कोशिश में लगा हुआ है। खैर जो भी है, अभी हम इधर बैठते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, अभी हम चलाते हैं यहाँ से पंखा। अल्हम्दुलिल्लाह पंखा चल गया। अभी सुकून से यहाँ पे बैठ के ना इनको देखते हैं, और इनको जो बाकी की रोटी बची हुई है ना वो डाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे एक और चीज़ का पता चल गया, उस पिजन ने जो जिसने अंडे दिए हुए हैं ना, उसका पैर किस कबूतर के साथ लगा है, मुझे इसका नहीं था पता, लेकिन आज मैंने अभी देखा है जब अंडा गया तो मुझे पता चल गया है। मेल और फीमेल कंफर्म हो गया कौन से पैर ने बच्चे मतलब अंडे दिए हुए। वो अंडे पड़े हुए हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो वाइट कपड़े के ऊपर इन्होंने अंडे दिए हुए हैं अभी। तो अभी यहाँ पे बैठ के इनको ये रोटी डाल देते हैं। पड़ी हुई है हमारे पास, आ जाओ यार आ जाओ। आओ अब आपको मैं खिलाऊँ। अब आप पीली हो गए यार, पंखा चला ना तो पूरी सुकून की हवा आ रही है यार, कसम से क्या बात है, स्वाद आ गया यार। अभी मैंने डाइट डाली है अपने पिजन्स को, तो यहाँ पे हमारा चॉकलेटी गैंग जो है ना, वो देखें एक को पता नहीं क्या हुआ है, एक मेंबर को उसके चॉकलेटी गैंग का एक मेंबर जो है ना वो परेशान हुआ लग रहा है। इसको पकड़ते हैं और इसको देखते हैं, इसके पाँव तो मेन पे नहीं लग रहे, इसके पाँव को क्या हुआ है, इसका पाँव तो स्वेलिंग हुई है। अरे भाई तुझे क्या हुआ है, ये क्या है यार, मैं ज़रा ना इसे देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ इसे क्या मसला बना है। ये कोई बैंडेज वैंडिंग लगी हुई है, अभी देख लूँ शायद ये मौगम ने, पता नहीं अब क्या, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इसको देख लूँ फिर मैं आपसे आपको बताता हूँ क्या है। यार इस चॉकलेटी को तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका ये ख़राब हुआ पड़ा है, ये देखें ज़रा मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये तो भी गोल किया है बेचारे की, तो टांग ही सारी खराब हुई पड़ी है, ये देखें जरा, ये इसे पता नहीं क्या हुआ। मैं अभी मौसम आएगा तो फिर मैं मौसम से पूछूंगा ये क्या चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पे पायोडीन पड़ी हुई है कि नहीं, अगर तो पायोडीन पड़ी हुई है फिर इसको पायोडीन निकालता हूँ, फिर इसको जो है ना बैंडेज कर देता हूँ फिर से। इसे क्या हो गया, हमारा इतना प्यारा चॉकलेटी बीमार हुआ पड़ा था और मुझे पता भी नहीं चला यार क्या सीन हो गया। अभी मैं इसको ज़रा पायोडीन वगैरह लगा दूँ, अभी मैं देखती हूँ यहाँ कहीं पे पायोडीन पड़ी हुई, ये पड़ी हुई है इसको पायोडीन लगाते हैं अभी। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इसको देखा था तो ये मुझे ठीक नहीं था लग रहा, लेकिन मैंने इसे देखा ना जब इसकी टांग पे ना इतना हुआ है, पता नहीं वो कैसे हुआ है, शायद किसी ने इसको मारा है या क्या किया है पता नहीं बोलता। अभी जो है ना मैंने इसको लगाई है यहाँ पे ये पायोडीन लगा दी है, पायोडीन ये पड़ी हुई है हमारी, ये लगा दी यहाँ पे, तो अभी इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि मैं थोड़ी देर तक आऊँगा ऊपर, और इसके लिए ना कुछ क्रीम श्रीम ले के आते हैं जो इसको लगा के इसको पट्टी कर देंगे इंशाल्लाह, फिर ये बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमारा जो चॉकलेटी गैंग का एक मेंबर ये जो अभी ये इस हालत में बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब भी मैंने इसको पायोडीन लगाई है ना अभी ये ऐसे बैठ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये खुश्क हो जाए ज़रा थोड़ी सी, फिर इसके ऊपर हम क्रीम श्रीम लगाएंगे, कोई क्रीम श्रीम लगा के तो इसके बाद फिर हम इसे जो है ना वो बैंडेज कर देंगे पट्टी कर देंगे, फिर इस खून से एक दो तीन दिन लगी रहेगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जल्दी से। अभी
भी होंगी। भूख यार बंद कर लेते हैं, भूख काफी ज्यादा, काफी ज्यादा टाइम किस चीज का हो रहा है यार। अभी ना टाइम हो रहा है नमाज असर का, तो नमाज असर पढ़ के आते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे इनको देखते हैं इनका क्या करना है। और अपना बब्लू और बबली जो है ना वो सुकून से easymall.com हुआ इनका, सुकून से इधर भी सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे इनकी फीमेल्स नहीं मिल रही, मैं क्या करूं यार, पता नहीं चल रहा। मैं 2-3 जगह पे गया भी हूँ लेकिन कोई फीमेल नहीं मिली इनकी, तो जो है ना इंशाल्लाह जैसे ही इनकी फीमेल मिलती हैं लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ी देर तक आपसे मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। और हाँ एक चीज़ हो यार, दुआ करना हमारा चॉकलेट जो मेंबर है ना वो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डाइट शेट तो ठीक आ रहा है माशाल्लाह लेकिन उसे चला नहीं जा रहा। चला क्यों नहीं जा रहा, मुझे लगता है शायद वो जो पंखा पड़ा हुआ है ना अंदर वो उसको लगा है, उसके ऊपर चलते पंखे के ऊपर, मतलब कि मैं नहीं बोलूँ इनके साथ। यार तुझे अपनी जान नहीं ना प्यारी, तेरे साथ 4 फीमेल्स हैं, 1, 2, 3 और 4, छोटी मोटी पतली बारीक जो भी होता है सब कुछ तेरे पास है, लेकिन तू फिर भी चुप नहीं करता यार, क्यों यार? इसको समझ ही नहीं आती, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तुम बीच में, इसने जरूर बोला, फिर बोल रहा है, ये बोलता रहेगा इसके सामने जब भी मैं वीडियो बना तो नहीं ऐसे ही करता। तो यार यार दुआ करना हमारा चॉकलेट जो मेंबर है जल्दी से इंशाल्लाह ठीक हो जाए। यार बस करते हैं इंशाल्लाह, मिलेंगे कल एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।